आज का टॉपिक डेटा टाइप्स के ऊपर है। रेडिस की डेटा टाइप स्ट्रिंग एक कॉमन डेटा टाइप है। ये बहुत सारे आपको NoSQL डेटाबेस के अंदर कॉमन मिलेगी। बहुत ही सिंपल किस्म की जो है ना डेटा टाइप होती है ये। तो रेडिस क्लाइंट को हम यहाँ ओपन करते हैं। ये विंडोज 10 है मेरे पास। मैं यहाँ लिखता हूँ रेडिस, तो इसे क्लिक करें। ये रेडिस की विंडोज हमारे पास सामने आ गई। अच्छा, इस रेडिस डेटा टाइप के अंदर क्या होता है कि स्ट्रिंग ही की होती है और स्ट्रिंग ही उसकी वैल्यू होती है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट जो है ना एज ए की यूज होगी और टेक्स्ट ही उसकी एज ए वैल्यू हम यूज करेंगे। तो उसको यूज इस तरह करते हैं कि सेट माई न्यू की, ये मैंने एक की साइन कर दी। अब इसकी स्पेस देके आप वैल्यू सेट कर दें, माई न्यू वैल्यू, इंटर प्रेस करें। ये जब ओके प्रिंट करेगा तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो की है वो सेट हो चुकी है और उस की के अगेंस्ट ये वैल्यू भी सेट हो चुकी है। अगर आप इसको गेट करना चाहें तो आप इसे इस तरीके से गेट करें। माई न्यू, जैसे ही मैंने उसे कमांड दी गेट की और साथ में उसके की उसे प्रोवाइड की स्पेसिफिक की स्ट्रिंग की, तो उसने मुझे उस की के अगेंस्ट जो डेटा था वो प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से ये स्ट्रिंग की जो है की और वैल्यू जो है ना वो कुछ काम करती हैं। ये जो कीज होती हैं इसमें एक बात माइंड में रखने वाली है, कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जो कि रेडिस एज ए NoSQL डेटाबेस अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर रहा होता है। उन रिजर्व कीवर्ड्स को एज ए हम की इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब भी आप उनको यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर देगा। तो ये आपने एक पॉइंट जो है ना अपने मतलब माइंड के अंदर रखना है।